अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। सर्दी के मौसम में तो ये सभी का फेवरेट होता है और आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बच्चे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखकर ज़िद कर रहे थे कि मम्मा आप कब बनाएंगी गाजर का हलवा, तो मैंने भी सोचा चलो अब बना ही लेते हैं। तो ये हमने गाजर मंगाई है, ये 2.5 किलो गाजर है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो गाजर की गांठ होती है ऊपर की, इसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे और उसके बाद हम गाजर को अच्छी तरह से छील लेंगे। ये हमने एक एक करके हम अपनी सारी गाजर को इस तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन गांठ गाजर के बीच में एक इस तरह की ना गांठ रहती है। अगर हम छोटी गाजर लेंगे तो उसमें नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल सॉफ्ट है और जो गाजर का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी हार्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे। इसके लिए हमने गाजर को बीच में से कट कर लिया है, फिर इसके बाद हम उसको एक बार और वापस से कट करेंगे। ये देखिए, तो फिर हमको क्या होगा, जो गांठ हो निकालने में आसानी होगी, वरना इसकी वजह से हमारा गाजर जो है, गाजर का हलवा जो है वो थोड़ा फीका फीका बनेगा और कलर भी उसका वाइट वाइट जैसा लगेगा। क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से चाकू की मदद से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम जितने भी बीच में गांठ है या जो वाइट पार्ट है उसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम अपनी सारी गाजर को साफ़ कर लेंगे और जो गांठ वाला हिस्सा है उसको निकाल देंगे। तो ये देखिए, तकरीबन हमने सारी गाजर साफ़ कर ली है। 1/2 किलो तक मुझे लगता है कि ये गांठ और छिलका निकल गया है। तो जो हमने 2.5 किलो गाजर ली थी वो तो अब मेरे ख्याल से 2 किलो ही रह गई है। ये गाजर को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखिए, अब गांठ वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है और ये हमारे लाल गाजर जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से धुलकर साफ़ कर लेंगे। इसे मैंने अब फूड प्रोसेसर में ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, सारे गाजर जो है अच्छी तरह से कद्दूकश हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे बनाने से पहले हम इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा जो गाजर का जूस निकला है वो निकाल देंगे। तो क्या होगा, हमको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, ये जो गाजर का पानी सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हमको ये हम हाथ से इस तरह से प्रेस कर करके सारा पानी जो है उसका एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। कुकर जैसे ही गर्म होगा मैंने उसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। आप हलवे को घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। घी जैसे ही मेल्ट होगा इसमें हम अपना गाजर डालना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा हाथ से हम प्रेस करते हुए जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और उसमें गाजर डालते जाएंगे। हमने सारा गाजर ऐड कर दिया है। अब हम उसे थोड़ी देर के लिए घी में अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गाजर में अच्छी तरह से घी की खुशबू जो है आ जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। यहाँ पे मैंने 1 कप शक्कर ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 200 ml मिल्क ऐड। अब इसमें डाल रही हूँ मलाई। ये मेरे पास 2 दिन की फ्रेश क्रीम थी, घर पे मैंने मलाई जमा की थी वो है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मलाई है ताज़ी तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे क्या होगा, इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा और ज़्यादा क्रीमी जैसा हो जाएगा। और अब हम अपने प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर की 3 से 4 सीटी आने देंगे। और ये 1 ग्लास इसमें से गाजर का जूस निकला है, जिसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम पी जाएंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, कुकर का प्रेशर जो है रिलीज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा जो उसका पानी है या दूध है वो सूख जाए। तो अब हमको हाई फ्लेम पर इसे बना इसको भूनना है तेज़ आँच पर। ये मैंने थोड़ा सा केसर लिया है जिसे हम दूध में भिगा देंगे, इससे जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए, हमने जो गाजर का हलवा लिया था वो कितना ज़्यादा था, वो गल के अब कितना हो गया, थोड़ा सा हो गया है। अब हम लास्ट में इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालकर हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर लिया है। अब हम इसे लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी खुशबू अच्छी आए। ये ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास 4 मगज़ और किशमिश थी, वो मैंने डाल दी है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1/2 बादाम डाल दिए हैं और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता जो है वो बचा लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम अच्छी तरह से उसे भून लेंगे। और ये है मावा, मेरे पास कितना 100 ग्राम्स तक कुछ मावा था, मैंने उसमें से 1/2 डाला है और 1/2 जो है वो गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम हाई फ्लेम पर ही भूनते रहेंगे। लास्ट में मैंने जो केसर हमने दूध में भिगा दिया था वो भी डाल दिया। और फ्रेंड्स सारी चीज़ों को हम 2 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर ही भून लेंगे। गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है।
फ्रेंड्स, गाजर के हलवे को हमने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।